Hey guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about the next chapter in our series hashtag inside the IMUCT exam. So, आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, क्योंकि वे एक बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे. मे बी यू नो हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत आसानी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर. और इसमें आपको जो ज्यादा ध्यान रखना है वो आपको आनी चाहिए, इसमें रेंज निकालना, इसका डोमेन निकालना, और आप याद कर सकते हो जो आपके फंक्शन है उनके डोमेन और रेंज, उसके साथ आपको बस वैल्यू पुट करनी होती है इसमें. और इससे ज्यादा इसमें चैप्टर में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है. सो ये वीडियो अंत तक देखें, और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस इसमें अभी तक चार वीडियोस आ चुकी हैं पहले से ही चैप्टर्स पे, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप बिल्कुल उन्हें देखें, साथ में सिलेबस वाली वीडियो जरूर देखें. और आशा करता हूं कि वीडियो आप पूरी अंत तक देखें. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हो, इसमें हमें दिया गया है fx equals to 1 अगर हमारा x रेशनल है और fx equals to 0 अगर हमारा x इरेशनल है, और हमें बताना है fof root 5 का. तो एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है आपको कि आपको पता होना चाहिए कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है. रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p upon q की फॉर्म में लिखे जा सके, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो p upon q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, ठीक है. तो इरेशनल जैसे कि आपका हो गया रूट 3 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 11 हो गया, तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है. क्या हमें एफ ओ एफ निकालना है रूट 5 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को रूट 5 अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम इसका पहले एफ एक्स करेंगे. तो अगर आपको एफ एक्स करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूट 5 इरेशनल है, ठीक है. अगर रूट 5 इरेशनल है तो ऊपर हमें दो कंडीशन दी गई थी, अगर हमारे पास x इरेशनल है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर रेशनल है तो 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर एफ जो रूट 5 है और हमारा इरेशनल है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है. फिर हम एफ जीरो एफ एक्स की जगह एक्स की जगह जीरो रख देंगे अगले वाले स्टेप में, और जब हम जीरो रखेंगे तो हमें पता है जीरो रेशनल नंबर है तो उसका आंसर 1 आ जाएगा. तो हमारा सिंपल से आंसर आ गया एफ ओ एफ रूट 5 का आंसर 1. हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें x गिवन है 7 प्लस 4 रूट 3 हमें गिवन दिया गया है, हमें वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की, ठीक है. आपके पास पहला जो आप तरीका है वो आप सीधे x को रख सकते हो उसमें, लेकिन इससे थोड़ा लंबा जाएगा, क्यों, x की पावर 4 हो जाएगा वहाँ पे, तो लंबा जाएगा. इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, x और 1 अपॉन x निकाल दीजिए और फिर उसको थोड़ा ना पुट कर सकते हो. अब वो कैसे पुट करोगे तो आप आगे देखोगे, देख सकते हो जिसमें हमें x गिवन दिया गया है और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो ठीक है, मैंने 1 अपॉन x निकाल लिया, 1 अपॉन x मैंने कैसे निकाल लिया, 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 जो था उसको मैंने उसके डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके इंटू कर दिया, ठीक है, जिससे मेरा 1 अपॉन x बहुत सिंप्लीफाई होकर आ गया. अब मेरे पास x भी है और 1 अपॉन x भी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे पुट कर सकता हूँ वैल्यू उनकी, ठीक है. ये भी ऑप्शन, ये भी आपका तरीका हो सकता है, और चाहे आप ना इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बना सकते हो. तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनाया है, और जिससे मेरा आंसर बहुत आसानी से आ गया है. ऐसा नहीं है आप सीधे x और 1 अपॉन x की वैल्यू यू नो स्क्वायर करके भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड चूज करते हो बस. सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एफ एक्स दिया गया है और हमें इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है. इसके लिए हमें पता होना चाहिए इसकी रेंज निकालते कैसे हैं. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स और हमें इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है. तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ना जब हमें कभी भी रेंज निकालनी है तो हम जो इसकी एक्स टर्म होती है ना उसको अलग कर देंगे, ठीक है, उसको अलग रख देंगे. जब हम एक्स उसमें सिंपल सी बात है, हमें एक्स निकालना है. जब हम उसके एक्स निकालेंगे, देखो जैसा आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर मैंने निकाला तो हमारा आया 1 माइनस वाई अपॉन वाई, तो उसको मैं एक्स कर दूंगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है. 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन वाई जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है. तो कैंट भी जीरो, तो मैं इसको कैंट भी जीरो में रख दूंगा. तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, वाई कैंट भी जीरो और y कैंट बी 1. अब y कैंट बी 0 क्यों, क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर है वो भी उसकी भी एक अलग केस बनती है जिसमें वो 0 नहीं हो सकता. तो y कैंट बी 0, y कैंट बी 1 और हमारा रेंज आ जाएगी 0 और 1 जो कि इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट है.
सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ना मैथ्स के सेक्शन में भी, फिजिक्स के सेक्शन में भी, और सारे सेक्शनों में ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मतलब बच्चे कर लेंगे, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आप देख सकते हो उसमें जस्ट आपको रिप्लेस करना है। जैसे एफ माइनस वन है तो माइनस वन हमारा पहला दिया गया है, उसमें आपको एस की जगह एक्स की जगह माइनस वन रख देना है और आपकी वैल्यू इतनी आसानी से आ जाएंगी। एफ जीरो पे आप जीरो रख दोगे एक्स की जगह और एफ वन पे एक्स की जगह वन रख दोगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो हमको एफ एक्स गिवन है, तो हमने क्या सिंपलीफाई क्या करना है, एफ जो हमें दिया गया है जो माइनस वन है उसकी वैल्यू हमें एक्स प्लस टू दी गई है और जीरो की एक्स स्क्वायर दी गई है, वन की टू माइनस एक्स, तो हमें बस इनके एक्स में वो वैल्यू पुट कर देनी है जिसकी हमें वैल्यू दी गई है और हमारा आंसर आ जाएगा टू। और अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसमें बस आपको क्या करना है एक्स की जगह माइनस टू बाई फाइव रख देना है और आपका आंसर सीधे आ जाएगा। ये कुछ कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको बहुत ईजी आएंगे, मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ये देख सकते हो बस इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ गया। आपने चैप्टर देखा होगा, इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल पूछता नहीं है वो, और बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछता है, खासकर एफ एक्स की रिप्लेसिंग वाले क्वेश्चन और रेंज हो गया, डोमेन हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन एक ऐसा चैप्टर आपके लिए बन सकता है जिसमें आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब में आप स्कोर कर सकते हो क्योंकि आसान चैप्टर है, साथ में आप थोड़ा वेन डायग्राम देख लेना और जो बेसिक चीजें हैं इसकी सारी कवर कर लेना। तो अगर आपने और वीडियोज नहीं देखी आप बिल्कुल उन वीडियोज को देखें, और साथ में अभी यू नो लॉकडाउन जैसे आपको पता है कि अब खुल ही रहा है तो एग्जाम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अब जुलाई तक में, तो चीजें अब सही हो रही हैं, तो आप प्रिपेयर करें अपने आप को और सारी वीडियोस देखते रहें, और इंग्लिश पे भी वीडियोस आने वाली हैं। सो आप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।